वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको ये देखना है वीडियो आपने शूट कहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने वीडियो यहाँ से शूट स्टार्ट कर दिए थे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लैपटॉप प्ले कर देंगे। अगेन वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, भी इसी प्रकार वीडियो को शूट करना है। तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन में साउंड को प्ले कर दिया, तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से मैंने को शूट किया था। तो साउंड को आपको साइड में प्ले कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ हैंड किया हूँ तो इस पोजीशन में आते हैं और यहाँ पे आप ध्यान देखना, यहाँ पे आपको ब्लर हो जाता है। ठीक है, इस पोजीशन में आना जहाँ पे आपको ब्लर हो जाता है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। अगेन वीडियो को आगे की तरफ प्ले कराना है और आपको क्या करना है, वो जो आपको टी शर्ट जो आपने पहने कुछ इस तरह से आपको हैंड के ऊपर कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, इस पोजीशन में आना है फिर से। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अब देखना वीडियो प्ले करूंगा तो हमारा वीडियो जैसे ही प्ले होता है आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस पोजीशन में आना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम टू लेफ्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से रिएक्शन देना है, जैसे कि आपके हैंड कट कर कुछ आगे की तरफ चले गया हुआ है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है, आपको भी कुछ इस तरह से रिएक्शन देना है। इसके बाद जहाँ तक वीडियो आपको रखना है उसे हम स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। फाइनली आपको वीडियो शूट कैसे करना है, तो सिंपल कुछ इस तरह से वीडियो को शूट करना है। अब एक्स्ट्रा पार्ट भी शूट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में हमको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ट्रिम टू लेफ्ट या फिर ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब देखना हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है और सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको शूट करना है ग्रीन स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ ग्रीन स्क्रीन के कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ और इसके बाद सिर्फ आपको हैंड को शूट करना है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मैं हैंड को शूट कर रहा हूँ। इस पोजिशन में आना है और यहाँ से हमारा वीडियो शूट हो जाता है। इस वीडियो को यूज करना चाह रहे थे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो ये भी वीडियो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कहाँ तक वीडियो रखना है, जहाँ तक वीडियो रखना है इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद मैंने दोनों वीडियो को एक साथ ही शूट किया हूँ तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एस लेयर ले लेंगे, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, किस इस तरह से इसे आपको एडजस्ट कर देना है। इस वीडियो को आपको कहाँ से एडजस्ट करना है ध्यान देना, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे पहले। इसके बाद इसे हम क्या करना है, क्रॉप कर देना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। तो सबसे पहले मैं फटाफट क्रॉप कर देता हूँ और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ हैंड जो दिख रहा है आपको सिर्फ इस पार्ट को ही सिर्फ क्रॉप करना है। तो देख सकते हैं मैंने लगभग क्रॉप कर दिया। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसे जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हमें हाइड करना है, यानी कि रिमूव करना है। सिंपल आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्रोमा की को इनेबल करेंगे, कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है और आपको शो मास्क पे क्लिक करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देना है और जो आपको हैंड जो दिख रहा है इसे आपको कुछ इस तरह से व्हाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं लगभग जो बैकग्राउंड हमारा जो था ग्रीन कलर को रिमूव हो चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से हैंड को थोड़ा हल्का जूम कर लेना है और इसे हैंड के सामने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो आपको ध्यान से काफ़ी आपको सही से बड़ा हल्का बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जब वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से लगेगा, जैसे कि लग रहा है कुछ इस तरह से हो गया और आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैंड कट गया। ठीक है, तो आपको हैंड कट चुका है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मैं पहले ट्रिम टू राइट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये ग्रीन स्क्रीन है लास्ट में इसे हम रिमूव करता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लास्ट पोजीशन पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है की पे, सिंपल क्लिक करना है। अगेन आगे की तरफ लेकर आना है, प्लस देना है, आगे की तरफ लेकर आना है और इसे आपको कुछ इस तरह से आगे की तरफ हल्का कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ गया हुआ है। तो इस तरह से आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपल है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साउंड ऐड करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे इसे आपको डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं साउंड भी ऐड हो चुका है। इसके बाद आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को भी आप बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल है वीडियो एडिट करना। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है।